मानवता के इतिहास में हर युग में ऐसे अलौकिक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करके लोगों का जीवन आनंदमय बनाया है। ऐसे ही एक युग पुरुष थे राष्ट्रसंत आचार्य सम्राट परम पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज, जिनके नाम के उच्चारण से आनंद की अनुभूति हो, जिनके केवल दर्शन से शांति का अनुभव हो, जिनके आशीर्वाद से पूरा जीवन सार्थ हो। ऐसे आनंद ऋषि जी महाराज का व्यक्तिमत्व प्रेम, मानवता और करुणा का अनोखा संगम था। अहमदनगर जिले के चिचंडी नामक गांव में संस्कारी गुगले परिवार में 27 जुलाई 1900 के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर एक बालक का जन्म हुआ। पिता देवी चंजी और माता हुलसा देवी ने बालक का नाम नेमी कुमार रखा। माता पिता की प्यार भरी छत्र छाया में नेमी कुमार की शिक्षा चल रही थी, पर नियति का खेल कि बचपन में ही पिता का कृपा छत्र टूट गया। फिर भी मां हुलसा देवी ने हौसला रखते हुए नेमी कुमार के शिक्षा की बागडोर संभाली। चिचौंडी में परम पूज्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब का आगमन हुआ। उनके सानिध्य में नेमी कुमार के धर्म के प्रति आस्था बढ़ती गई और उन्हीं की छत्र छाया में 13 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण कर वे नेमी कुमार से आनंद ऋषि बन गए। गुरुवर्य रत्न ऋषि जी महाराज साहब के अनुशासन में आनंद ऋषि जी महाराज का व्यक्तिमत्व उजागर होता गया। भारत की संस्कृति समझने के लिए जैन आगमों के साथ उन्होंने संस्कृत साहित्य एवं वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, रामायण, गीता, महाभारत आदि अनेक ग्रंथों का अभ्यास किया। अपने प्रवचनों में सहज एवं मधुर वाणी में वे कबीर तुलसीदास के दोहे, संत तुकाराम के अभंग इतनी तन्मयता से गाते कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। अन्य धर्म के धर्मगुरुओं का भी उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उर्दू सिखाने आए मौलवी जी को अपने से ऊंचा स्थान देने वाले जैन मुनि को देखकर पूरा संसार दंग रह गया। धीरे धीरे यह महापुरुष लोगों के मन में स्थापित हो गया। उनकी सादगी, सरलता, विनम्रता और करुणा ने लोगों का मन जीत लिया। उनके दर्शन के लिए लोग उमड़ कर आने लगे। जैन एवं जैनेतर लोग भी इनमें शामिल थे। उनके केवल दर्शन से लोगों को सुख शांति का अनुभव होने लगा। किसी भी भेदभाव से परे आने वाले हर एक व्यक्ति के प्रति उनकी आंखों में अपरंपार करुणा होती थी। इस महान विभूति की महानता तो देखिए। जैन संप्रदायों के संगठन के लिए अथक प्रयास करते हुए उन्होंने 2 बार अपने आचार्य पद का त्याग किया। श्रमण संघ के प्रधानमंत्री, उपाध्याय पद की जिम्मेदारी निभाकर फिर वे चतुर्विध श्रमण संघ के द्वितीय आचार्य के रूप में आचार्य पद पर विराजमान हुए। साधु साध्वियों के शिक्षण हेतु उन्होंने तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का निर्माण किया। आज यह संस्था देश भर में विख्यात है। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, लुधियाना, जम्मू, मेरठ ऐसे 78 चातुर्मास में हर चातुर्मास अपने आप में एक मिसाल बन गया। लाखों श्रद्धालु लोगों ने चातुर्मास में उनकी दिव्य आभा का अनुभव किया। अमृत महोत्सवी वर्ष में सन 1975 में पूना के ऐतिहासिक शनिवार वाड़े पर आचार्य श्री जी का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव जी नाइक इन्होंने राष्ट्र संत की उपाधि से आचार्य श्री जी का गौरव किया। समय की धारा कभी रुकती नहीं। 28 मार्च 1992 के दिन श्रमण संघ का यह सूर्य विश्व को प्रकाशमान करके अस्त की ओर चला गया।
युग समाप्त हो जाता है, किंतु युग पुरुष लोगों के दिलों में अपनी अमीट छाप छोड़ जाता है। पद, सर्वोच्च सत्ता, मान सम्मान, हजारों शिष्य और लाखों भक्त अनुयायी वर्ग होते हुए भी आचार्य आनंद ऋषि जी अहंकार से मुक्त थे और यही उनकी महानता थी। भारत सरकार ने उनके स्मृति सम्मान में वर्ष 2002 में एक डाक टिकट जारी किया। आचार्य श्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके भक्तों ने ऐसी अनेक संस्थाओं का निर्माण किया जो उनके मानव सेवा के कार्य को आगे बढ़ा रही है। ऐसी ही एक संस्था आनंद दरबार, बीड जिले के छोटे से गांव से पूना में आए बाला साहब धोका, इन्होंने अपनी गुरु भक्ति को समर्पित आनंद दरबार का निर्माण किया। अपने अभिनव कार्य से आज आनंद दरबार ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। हर महीने की पूर्णिमा को यहां भक्तों का आनंद मेला लगता है। सच कहा जाए तो युग पुरुष कभी जाते नहीं हैं, वे लोगों के दिल में हमेशा रहते हैं ऐसी संस्थाओं के रूप में। जय आनंद।